नमस्कार, ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आईएएस और पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कुछ जरूरी बहुवैकल्पिक प्रश्न आपके लिए लेकर आते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। एलियम नेगियनम, जो आजकल विज्ञान जगत में चर्चा का केंद्र बना हुआ है, उसका संबंध किससे है? ए, पौधों की नई प्रजाति। बी, विषाणुओं का एक नया समूह। सी, अंतरिक्ष में पाया गया नया एस्टेरॉयड बेल्ट। या डी, नेविगेशन प्रणाली के लिए नवनिर्मित उपग्रह। सही उत्तर है ए, पौधे की एक नई प्रजाति। हाल ही में उत्तराखंड में एक नए पौधे एलियम नेगियनम की खोज हुई है, जो विज्ञान जगत में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। असल में इस पौधे के ऐसे जीनस से संबंधित होने की पुष्टि की गई है जिसमें प्याज और लहसुन जैसे कई प्रमुख खाद्य पदार्थ शामिल हैं। आपको बता दें कि एलियम एमेराइल्डेसी की सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक है। एमेराइल्डेसी जड़ी बूटियों से संबंधित पौधों का एक परिवार है जिसमें मुख्य रूप से 12-मासी और बल्बनुमा फूल वाले पौधे शामिल हैं। एलियम जीनस की दुनिया भर में लगभग 1100 प्रजातियां शामिल हैं, जिनमें प्याज, लहसुन, स्कैलियन और शैलेट जैसे कई प्रमुख खाद्य पदार्थ आते हैं। ये जीनस स्वाभाविक रूप से उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी अफ्रीका के शुष्क मौसम में पाया जाता है, लेकिन नई प्रजाति पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पाई गई है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रश्न संख्या दो। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? एक, ये भारत का एकमात्र नदी किनारे स्थित प्रमुख बंदरगाह है। दो, ये भारत का सबसे पुराना ऑपरेटिंग पोर्ट है, जिसका निर्माण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा साल 1870 में किया गया था। ऑप्शंस हैं ए, केवल कथन एक सही। बी, केवल दो सही। सी, एक और दो दोनों सही। या डी, न तो एक न ही दो। सही उत्तर है सी, एक और दो दोनों सही। कोलकाता बंदरगाह, जिसे आधिकारिक तौर पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट के रूप में जाना जाता है, ये भारत का एकमात्र प्रमुख नदी बंदरगाह यानी रिवराइन मेजर पोर्ट है। ये समुद्र से लगभग 203 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में स्थित है। इसके साथ ही भारत का ये सबसे पुराना ऑपरेटिंग पोर्ट है, जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1870 में तैयार किया गया था। हाल ही में देश के बंदरगाहों के इतिहास में पहली बार श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह से एलपीजी अर्थात लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का एक जहाज से दूसरे जहाज पर स्थानांतरण किया गया है। प्रश्न संख्या तीन। संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी UNFCCC द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से वित्तीय तंत्र स्थापित किए गए हैं? एक, ग्रीन क्लाइमेट फंड। दो, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी ट्रस्ट फंड। तीन, स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड। चार, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड। ऑप्शंस हैं ए, केवल एक और दो। बी, केवल दो और तीन। सी, केवल एक तीन और चार। या डी, उपरोक्त सभी। सही उत्तर है सी, केवल एक तीन और चार। जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से UNFCCC ने ग्रीन क्लाइमेट फंड, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड तथा स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड जैसे वित्तीय तंत्रों की स्थापना की है। ग्रीन क्लाइमेट फंड की बात करें तो इसकी स्थापना साल 2010 में हुई थी और अब यह विश्व का सबसे बड़ा एनवायरमेंटल फंड है। दूसरी तरफ ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी ट्रस्ट फंड को देखें तो इसकी स्थापना साल 1992 में रियो अर्थ समिट के दौरान हुई थी, लेकिन ये वर्ल्ड बैंक के नियंत्रण में कार्य करता है। स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड UNFCCC के तहत ही विकासशील देशों को लंबी तथा छोटी अवधि के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से जुड़े फंड उपलब्ध कराता है, जबकि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड अल्प विकसित देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। प्रश्न संख्या चार। हाल ही में किस देश के रिटबर्ग संग्रहालय में भारतीय कला अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है? ऑप्शन है ए, स्विट्जरलैंड। बी, जर्मनी। सी, चेक रिपब्लिक। या डी, ऑस्ट्रिया। सही उत्तर है ए, स्विट्जरलैंड। हाल ही में स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में स्थित रिटबर्ग संग्रहालय में भारतीय कला अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। इस कला केंद्र के साथ ही भारतीय कला पर केंद्रित एक फेलोशिप प्रोग्राम की घोषणा भी की गई है। इसका उद्देश्य भारतीय कला के अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक तथा कलात्मक आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। इसके माध्यम से रिसर्च फेलो संग्रहालय के विद्वानों के साथ साथ स्विट्जरलैंड व यूरोप के अन्य विशेषज्ञों के साथ लगभग 3 से 6 माह तक काम कर सकेंगे।
उल्लेखनीय है कि स्विट्जरलैंड स्थित रिटबर्ग संग्रहालय गैर यूरोपीय कला का एकमात्र संग्रहालय है और इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। यह संग्रहालय एशिया, अफ्रीका, अमेरिका और ओशियानिया की महत्वपूर्ण कलाओं के संग्रह स्थल के तौर पर विश्व में प्रसिद्ध है। और आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, अक्सर खबरों में रहने वाले इस्कॉन अर्थात इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? एक, इसे हरे कृष्णा मूवमेंट के तौर पर भी जाना जाता है जो एक गौड़ीय वैष्णव धार्मिक संगठन है। दो, इसकी स्थापना 1956 में न्यूयॉर्क शहर में स्वामी प्रभुपाद द्वारा की गई थी। ऑप्शंस हैं ए, केवल कथन एक सही, बी, केवल कथन दो सही, सी, एक और दो दोनों सही, या डी, न तो एक न ही दो। सही उत्तर है ए, केवल कथन एक सही। इस्कॉन गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से जुड़ा हुआ एक प्रमुख संगठन है जिसकी स्थापना 1966 में स्वामी प्रभुपाद द्वारा की गई थी, जबकि ऑप्शन में 1956 दिया हुआ था। तो याद रखिएगा 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। इस संगठन को हरे कृष्ण आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। इसकी मान्यताओं का आधार भागवत गीता तथा भागवत पुराण है। इस्कॉन के अनुयायी ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय की मान्यताओं का अनुपालन करते हैं और ये वैष्णव संप्रदाय से संबंध रखता है। यहाँ वैष्णव अर्थात भगवान विष्णु की पूजा करने वाले तथा गौड़ यानी पश्चिम बंगाल के गौड़ क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की स्थापना चैतन्य महाप्रभु ने की थी और उन्होंने भगवान विष्णु की भक्ति के लिए संकीर्तन की प्रथा को आरंभ किया था। तो ये थे आज के 5 MCQs। आपके कितने प्रश्न हुए सही और कितने हुए गलत, कैसा लग रहा है ये कार्यक्रम, ये तमाम जानकारियाँ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। जल्द हाजिर होंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।